हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू दी दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम आरएसएम एंड शॉर्ट्स तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीन के बारे में तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉइंट तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हमारे पास दो लेवल के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में पूछे जाते हैं द लेवल नंबर वन इज हम नॉर्मल परचेज बोनस शेयर राइट शेयर डिविडेंट ऐसी सारी चीजों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो अगर हम फर्स्ट uh, लेवल की बात करें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की जो आपको ध्यान रखनी है तो उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं तो बेसिक चीजें यह है कि

आपका परचेस का ट्रांजैक्शन है एंड परचेस का ट्रांजैक्शन अगर कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा परचेस के ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट का मतलब होता है दैट वैल्यू जो भी कॉस्ट है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड है तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा तब आपको कॉस्ट आएगा ये वीडियो उनके लिए ही हेल्पफुल ज्यादा होगा जिनको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बेसिक चीजें पता है मैं अज्यूम करता हूं कि आप सभी को बेसिक चीजें पता है अगर आपको पता नहीं है तो प्ले में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सारे वीडियोज डिटेल में बनाए हुए हैं वहां पे आप जाके डिटेल में वीडियो चेक कर सकते हैं दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू फॉर लास्ट मिनट रिविजन ताकि आपको एक चैप्टर का बेसिक चीजें पता हो, हो जाए सो so, परचेज की अगर हम बात करें तो में मैंने आपको दो ट्रांजेक्शन बताए एक होता है एक्स इंटरेस्ट और दूसरा होता है कम इंटरेस्ट अगर हम एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो एक्स इंटरेस्ट में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन अगर कम इंटरेस्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले कम इंटरेस्ट में क्या करना पड़ेगा कम इंटरेस्ट में हमें सबसे पहले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके इंटरेस्ट को उस वैल्यू में से अलग करना पड़ेगा तब हमको कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी सिमिलरली अगर हम बात करें सेल की तो सेल में भी हमारे पास दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं वन इज कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट अगर हम सेल में एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो अगर सेल की एक्स इंटरेस्ट की बात करें तो सेल में एक्स इंटरेस्ट में आपको कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे बिकॉज हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है और हमको फिर उसमें प्रॉफिट लॉस का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ता है तो अगर हम नंबर से याद रखना चाहते हैं कि सेल में कितने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आपको ध्यान रखना है सेल में अगर एक्स इंटरेस्ट है तो आपको दो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं दो वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट आप, आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट और दूसरा आपका वर्किंग नोट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन का लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सेल में भी कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता है तो सेल में अगर कम इंटरेस्ट है तो सेल के कम इंटरेस्ट में आपको तीन वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहला वर्किंग नोट आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना जो है उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है देन आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट का वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है देन सिमिलरली प्रॉफिट लॉस का वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है ये वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर करने हैं वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेशंस होंगे ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वहां पर जाके चेक कर सकते हो तो ये आपके ओवरऑल डिबेंचर्स बॉन्ड्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में एक सिंपल लेवल है शेयर्स में ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस नहीं होता है शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स में आपको एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस आता है एक तो आपका परचेज आता है परचेज के बाद आपका बोनस इश्यू आता है बोनस शेयर्स जिसके लिए रेशियोस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको दिया जाएगा बोनस शेयर्स के बाद आपको राइट right शेयर्स दिया जाएगा राइट right शेयर्स के बाद आपको डिविडेंड दिया जाएगा और डिविडेंड के बाद आपका सेल होगा ये किस तरीके से सीक्वेंस होता है ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है दिस इज जस्ट अ पॉइंट कि आपको उस पॉइंट्स में क्या चीजों को याद रखना है तो ये है हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बेसिक्स जिसमें मैंने आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वर्किंग नोट्स कैसे प्रिपेयर करने कितने प्रिपेयर करने वो बताया और शेयर्स uh, के बारे में एक बताया कि शेयर्स में कितने सारे लेवल हो सकते हैं एक्जैक्टली वर्किंग नोट्स कैसे बनते हैं ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर कर कर लिया है विद क्वेश्चन सॉल्विंग तो प्लेलिस्ट में जाना ना भूले वहां से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ जो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय